छोले और पनीर की सब्जी, न ज़्यादा गाढ़ी न ज़्यादा पतली, और दो सब्जियों के कॉम्बिनेशन एक साथ में। तो फिर चलिए बनाते हैं। छोले को हमने रात भर भिगो लिया था और इसको उबालेंगे। छोले से हाफ इंच ऊपर हम पानी रखेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर 6-7 सीटी लगा लेंगे। छोले उबल रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। प्याज को काट लिया है और टमाटर हरी मिर्च को हम एक साथ पीस लेंगे। टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है और छोले भी हमारे उबल गए हैं। जब तक इसका प्रेशर ख़त्म होगा तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले भूनने के लिए कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरे को चटका लेंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज देखिए सुनहरा हो गया, तो इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को भी हम 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको भी भून लेंगे। ऐसे से चलाते हुए भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाले में हमने जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये मीट मसाला डाले हैं। इसको भी भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि हमारा मसाला जले ना, अच्छे से फूल जाए। मसाले को तेल छोड़ने तक भूनेंगे और आँच को हम मध्यम रखेंगे। पनीर को हम काट लेते हैं। छोटी बड़ी जो पीस आपको काटनी हो काट लें। छोले का प्रेशर भी निकल गया है, इसको हम देख लेंगे। छोला हमारा अच्छे से उबल गया है। 6 सीटी में छोले अच्छे से उबल गए हैं। पनीर को भी काट के तैयार कर लिया है। मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है। मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है, तो इसमें कटे हुए पनीर डालकर हम 2 मिनट मसाले के साथ पनीर को भूनेंगे। पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है, मसाले में ही हमारा पनीर अच्छे से भून जाएगा। दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम उबले हुए छोले को डाल देंगे। छोले को अच्छे से मिला लेंगे। एक मुट्ठी छोले को हमने अलग निकाल के रख लिया है। छोले को अच्छे से मिला लिया है। इसमें नमक स्वाद अनुसार हम डाल देंगे और गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। गरम मसाला को भी अच्छे से मिला लेंगे। जो हमने एक मुट्ठी छोले को निकाला था उसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब सब्जी में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद पानी अपनी ग्रेवी के अनुसार डाल देंगे। छोला लेकिन गाढ़ी ही अच्छी लगती है, इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को डाल देंगे और कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम सब्जी को ढक देंगे और मध्यम आँच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद हमारी छोले और पनीर की सब्जी तैयार है। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना पतली है, और छोले पनीर की सब्जी खाने के लिए तैयार है। तो फिर चलिए सर्व करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।